Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Robina Malik. I hope you all are doing well. So guys, आज हम बना रहे हैं macaroni. सबसे पहले जी हमने इसको बॉईल कर लेना है. आप पानी जो है ज़्यादा भी डाल सकते हैं. इसमें ऐसे कोई ख़ास मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी macaroni properly जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, नहीं मतलब गल गई है या नहीं. और जी बॉईल करते टाइम आपने इसके अंदर एक छोटी सी दालचीनी, जो मसाले गरम मसाले के अंदर एक लकड़ी सी होती है, वो डालनी है, और एक डालनी है लौंग. और साथ ही मैंने सोचा कि जब तक मेरी macaroni बॉईल होती है तब तक मैं अपने प्याज जो है वो पका लेती हूँ. उसमें इसमें मैं ऑयल बहुत थोड़ा सा लेती हूँ, लाइक 4 to 5 टेबल स्पून. और फिर उसमें जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे हमारे, तो फिर उसके बाद हम उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे. सो गाइस, अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत अच्छे से गल चुके, इतनी ज़्यादा भी नहीं गलानी कि वो बिल्कुल कोई आटा टाइप बन जाए, लेकिन थोड़ी सी इस तरह जैसी आपको अभी वीडियो में नज़र आ रही है, बस सॉफ्ट होनी चाहिए. इस तरह से आपने गलानी है. ऑलमोस्ट इसको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते. और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी अलग से बाउल में, वो जो गर्म पानी है उससे निकाल के अलग बाउल में डाल के उसके ऊपर उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है अच्छे से. और वॉश करने के बाद आपने इसके ऊपर एक या दो कलनी, अगर आपकी ज़्यादा है तो आप 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे. अब जी मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं. जब आपके प्याज ब्राउन हो जाएं तो फिर आपने उसके अंदर चिकन डालना है. ये ऑलमोस्ट 1 कप चिकन है और 1 ही कप मेरी macaroni थी. और चिकन को आपने इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करना. साथ ही जो आपने इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं चिकन के फ़ौरन बाद ही. इसमें मैं आधा चम्मच ले रही हूँ नमक, और आधा एक चम्मच पूरा बनेगा जब आप आधा चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला दोनों उसको अच्छे से पीस लेंगे तो एक चम्मच पूरा बन जाएगा, वो डालना है. उसके बाद जी सबसे पहले आपने डालने हैं वेजिटेबल्स में मटर, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ये आधा कप मटर है, और 3 से 4 मिनट मटर पकाने के बाद आपने आधा कप इसमें गाजर डाल देनी है. वेजिटेबल्स की कटिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से रख सकते हैं. क्यों और वेजिटेबल्स में एंड पे हम डालेंगे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च फ़ौरन से पक जाती है, लाइक इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं. अब जी बारी है सॉसेस की. सॉसेस में मैं ले रही हूँ रेड चिली सॉस, देन सोया सॉस एंड देन सिरका. ये तीनों चीज़ें इसमें मैं डालूँगी. सिरका और रेड चिली सॉस डालने के बाद इसको हमने अच्छे से पकाना है. और वैसे मैं कभी नहीं डालती हूँ, कभी डाल भी देती हूँ. फिर मैंने इसमें डाले थे 2 बड़े चम्मच मतलब के टेबल स्पून दही के, और वो डाल के अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम अपनी macaroni ऐड कर देंगे. और macaroni ऐड करने के बाद लाइक 3 टेबल स्पून मतलब के 3 बड़े चम्मच इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस के. और इसी के साथ ही जो मेरी macaroni रेडी हो चुकी है. वैसे मुझे बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आया था कि चीज़ macaroni भी लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चीज़ डाल के ट्राई करके देख लेती हूँ टेस्ट कैसा आता है. मैंने सारी के ऊपर नहीं डाली थी, लाइक थोड़ी सी प्लेट में अलग करके तो उसमें डाली थी. और फिर चीज़ डालने के बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा था, और मैंने ज़्यादा पूरे पे इसलिए भी नहीं डाली कि मैंने कहा पता नहीं सबको अच्छी लगे या ना लगे, बट इट टेस्टेड सो गुड. सो गाइज, ये थी हमारी macaroni विद एंड विदाउट चीज़. एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.